अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। मौसी, आज काशी को किस बात की सजा मिल रही है? रहने दे, जैसे तू कुछ जानती ही नहीं। घोड़ा तू लेके आई है ना? घोड़ा तो मेरे घर पे था, इसलिए लेके आई हूँ मौसी। इस कमीने के लिए झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं, मोटू ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या बताया मौसी? सिनेमा देखने के लिए बदमाश ने घोड़े को गिरवी रख दिया, और वो भी 20 रुपए में। बेशरम, बेगैरत कहीं का। जाने दे मौसी, माफ कर दे, आगे से ऐसा कभी नहीं करेगा। कब से बिक रहा है बेचारा, अब बंदर बुला ले, नहीं तो बीमार हो जाएगा। होने दे बीमार, आज इसकी अकल ठिकाने लाके ही रहूंगी। मौसी, काशी कैसे थर थर कांप रहा है, देखो। कांपने दे मौसी, उसे कमीज उतार दे मौसी। उतारने दे। मौसी, पैंट भी उतार दिया। अगर आज वो सारे कपड़े उतार कर लंगोट लगा कर अपने बाप की तरह सन्यास भी ले लेना, तो भी मुझ पे कोई असर नहीं होगा।
मौसी देखो कशुर क्या हो रहा है, ऐसे क्यों गिर रहा है, देखो ना। उसे बोल नाटक बंद करे और अंदर आ जाए। मुझे बुलाया माँ? अंदर आ जा। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, है ना? बस अभी चल कपड़े बदल। पागल कहीं का। तूने मौसी का बहुत दिल दुखाया रे। तूफान तेरे बापू का घोड़ा है और तेरे चाचा के बराबर हुआ। तूने अपने चाचा को गिरवी रख दिया वो भी एक फिल्म देखने के लिए। छी चुप, आग में तेल मत छिड़क। इसे क्यों डांटता है? अपनी हरकत पे तुझे ही शर्मानी चाहिए। मैं मानता हूँ माँ, ये बड़े शर्म की बात है कि मैंने अपने अन्नदाता को गिरवी रख दिया सरक। लेकिन इससे भी दुगनी शर्म की बात है कि मैं अपने गुरु अमिताभ जी की पिक्चर पहला दिन पहला शो ना देखूं। अरे लोग क्या कहेंगे, ताना देंगे ताना। लोग कहेंगे कि मेरी गुरु भक्ति कम हो गई। देख देख तो कैसे शब्दों से खेल रहा है, मेरे तो बर्दाश्त के बाहर हो गया है। तू भी तो इस घर का होने वाला एक हिस्सा है ना, संभाल इसे, अभी से संभाल। आप लोग कमरा खाली करके जा रहे हैं? हाँ, हम लोग जा रहे हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया किए जाते हैं। शुक्रिया का क्या मतलब? तुम्हारा बाप देगा पैसा? हाँ। कैसा पैसा? यहाँ पर रहने का किराया? वो तो हम शहर जाके मनमोहन सेठ को देंगे। ये क्या बात हुई मालिक के नाम से? ए नाटक बंद कर साले, हमें सब मालूम है ये बंगला मनमोहन सेठ का है और तूने उनकी चोरी से इसे होटल बना रखा है क्योंकि वो कभी यहाँ आते ही नहीं। इसे तुम लोगों को क्या लेना देना, सीधे से पैसे दे दो वरना। वरना क्या कर लेगा? हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना, हम किसी से कम नहीं। क्या करेगा तू? जलाकर राख कर दूंगा। तो फिर चल, जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वो बंगी। अगर मैं हार गया तो, अगर मैं हार गया तो तुम लोगों की चालबाजी मेरे साथ चलने वाली नहीं है। मेरा मेरा गुस्सा बहुत खराब है। मैं तुम तीनों को कमरे के अंदर बंद बंद करके इतना मोटा ताला लगा दूंगा। तो तू एक काम कर, अपनी बेटी को भी हमारे साथ बंद कर दे तो हम तुझे डबल किराया दे देंगे। बाबू ये, तू चिंता मत करना, काशी है ना इनका। इतने बुरे ख्यालात अपनी बहन के बारे में? पैसा नहीं देगा तेरा बाप भी देगा। मेरा पैसा दे, मेरा पैसा दे, पैसा दे। वसूली शुरू, आजा आजा आजा। घड़ी उतार, घड़ी उतार। चिंता मत कर, तेरी बच्ची रहेगी, चल भाग। अरे मोटू, उस टूरिस्ट का क्या हुआ जैसे तेरे घोड़े ने गिरा दिया था? कब गिरा है? इसके घोड़े ने किसी गिरा दिया? अरे साहब कुछ खास नहीं साहब, बस एक टांग टूट गई। अरे नहीं, टांग टूट गई, एक हाथ भी टूट गया। हाथ भी टूट गया? अरे नहीं, थैंक गॉड आपने मुझे बचा लिया। ये झूठ बोलता साहब, सुनो साहब, साहब ये झूठ बोलता है। देख काशी, मुझे धंधे के वक्त मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। क्या तूने भी तो मेरी माँ के सामने मेरा भांडा फोड़ा था। मैं तूफान को गिरवी रखूं या बेचूं, तुझे उससे क्या? बापू, आपको जो मालिक तनख्वाह देते हैं क्या वो दो पेट के लिए काफी नहीं? फिर क्यों ये उल्टी से देखा? बेटी मैं जानता हूँ कि जो थाली में खाते उस थाली में छेद नहीं करते, लेकिन मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो पैसे के लालच में नहीं कर रहा हूँ। फिर क्यों? मालिक मैं अपनी बेटी को कैसे समझाऊं कि मेरी मजबूरी क्या है, लेकिन वक्त आने पर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। तब तक के लिए मुझे माफ कर दीजिए मालिक के नाम से।
जी साहब जी। दादाजी कहाँ है? बरामदे में साहब जी। क्या कर रहे हैं? बारिश में खेल रहे हैं साहब जी। बारिश में? दादाजी बिना गर्म कपड़े? अरे हटा ना, गर्मी हो रही है। मगर ये आप क्या कर रहे हैं? कागज की कश्ती बना रहा हूँ। कागज की कश्ती बना रहा हूँ और कुदरत के करिश्मे का मजा उठा रहा हूँ। मेघ है, मल्हार है, ठंडी फुहार है, प्लेट ने जरा गर्मा गर्म पकौड़े हैं, साथ में संगीत के तोड़े हैं। ये मिल जाए तो इंसान की जिंदगी में क्या चाहिए। मेरा भैया, आप ये जानते हैं दादाजी, ये बाहर की ठंडी हवा कितनी खतरनाक होती है। अच्छा? हाँ, जुकाम से खांसी होती है। ओ, ओ, ओ। खांसी से फेफड़ा सूज जाता है। अरे भाई। और ये सूजन की वजह से सांस बंद हो जाती है। ओ। और अगर सांस बंद हो गई तो तेरा आदमी मर जाता है। चुप नालायक। अरे तू मेरी पोती है कि यमराज की पोती है? रे जब देखो मरने की बातें करती है। ये करे तो आदमी मर जाता है, वो करे तो मर जाता है, उठे तो मर जाता है, बैठे तो मर जाता है। अरे मरने से पहले भगवान ने जिंदगी दी है, जिंदगी की बातें क्यों नहीं करती है, है? मैं तो आप ही के लिए कह रही थी दादाजी। डैडी कहते हैं कि बरसात की पहली बारिश में भीगने से। अरे झक मारता है तेरा डैडी, उल्लू का पट्टा है, गधा है वो। कमबख्त, खुद तो बुजदिल है, बेटी को भी बुजदिल बना के रख दिया है। और तू एक बात बता, ये तेरे खेले खाने के दिन है कि ये गोलियां खाने के दिन है? दिन भर बिस्तर पे पड़ी रहती है और इतनी मोटी मोटी दवाइयों की किताब पढ़ती है। तुम दोनों बाप बेटी मिलकर इस घर को अस्पताल बना के रख दिया है। दादाजी दादाजी गुस्सा आपके लिए बहुत खराब है। पता है गुस्से की वजह से ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट बीट बढ़ जाता है, और हार्ट बीट के बढ़ने से हार्ट अटैक हो जाता है, और हार्ट अटैक की वजह से आदमी मर जाता है। मैं तेरा सर फोड़ दूंगा या अपना सर फोड़ दूंगा, तेरी समझ में नहीं आता मैं तुझसे क्या बोल रहा हूँ। तो काम कर, तू इधर मत खड़ी रहे, सीधे अपने कमरे में जा, इतनी सारी जुकाम की गोलियां, इतनी सारी मोटी मोटी किताबें ले, इतने 50 कपड़े लेकर अपने आप को ओढ़ ले, किताबें पढ़ती जा, किताबों को चाट दी जा, भाप का भेजा चाट, चल उधर, जाने तो तेरा सर फोड़ दूंगा, चल चल। ये सब क्या हो रहा है? बेबी को लगातार चीखें आ रही हैं। बेबी लगातार चीख रही है। अच्छी। अंजू बेटी, बुखार है? लगता है। नाक बंद है? लगता है। अच्छी। सर में दर्द है? लगता है। अरे राम सिंह, डॉक्टर की टेलीफोन डायरी ले आओ। तुम लेट जाओ बेटी, लेट जाओ, मैं भी आता हूँ। हेलो डॉक्टर पटेल। नमस्ते साहब जी, नमस्ते। आइए आइए चलिए। हेलो डॉक्टर मिसेस राव। नमस्ते साहब जी, नमस्ते। आइए आइए आइए। हेलो 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 डॉक्टर मेनन। नमस्ते साहब जी, आइए आइए आइए। हेलो हेलो डॉक्टर डॉक्टर एम एस सिद्दीकी। आइए मुझे दीजिए, चलिए चलिए। कुछ नहीं है, नॉर्मल है। लाइए साहब जी। अरे मैंने अभी खाया नहीं है। अरे आप फरमा देंगे साहब जी, छोटे साहब जी आ रहे हैं। अरे छोटे साहब तो रोज आते हैं, उनकी कौन सुन। राम सिंह साहब जी, बाबूजी कहाँ हैं? अंदर कमरे में सर पकड़ कर बैठे हैं साहब जी। ओहो, बहुत प्यार करते हैं अंजू को, थोड़ा भी सर में दर्द हो जाना तो खाना पीना छोड़ देते हैं। बाबूजी साहब जी, बाबूजी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, डॉक्टर अंजू के पास है, वो ठीक हो जाएगी। जी साहब जी। ये क्या है साहब जी की चिट्ठी? आपके नाम। मेरे नाम है?
ये पढ़ो पढ़ो, मेरा चश्मा नहीं है। यहाँ से यहाँ तक चिट्ठी? प्यारे बेटे मनमोहन, मैं यहाँ ठीक हूँ और तुम्हारे कुशल मंगल की प्रार्थना करता हूँ। मैं जानता हूँ अंजू बिल्कुल ठीक है, उसे कोई बीमारी नहीं है, सारी बीमारियां उसके दिमाग के अंदर है जो तुमने डाली है। ए, ये लिखा कि तू खुद बोल रहा है? नहीं शाह जी, ये सब लिखा है। चलो चलो पढ़ो। उसे खेलने खाने दो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा शुभ चिंतक बाबूजी जगमोहन चोपड़ा। बाबूजी, फिर से आपने ये बातें शुरू कर दी हैं। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि अंजू एक नाजुक बच्ची है और थोड़ी सी हवा चलती है ना तो बीमार हो जाती है, और आप समझते हैं कि मैं तंबाकू? बाबूजी, आप सिगरेट पी रहे हैं क्या? सिगरेट नहीं साहब जी, सिगार पी रहे हैं साहब जी। बाबूजी, आपको छुप के सिगार पीते हुए शर्म नहीं आती? डॉक्टर ने आपसे कितनी बार कहा है कि सिगार और सिगरेट मत पिया करो। सिगार और सिगरेट पीने से फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, और जब फेफड़े कमजोर हो जाते हैं तो सांस की नली सूज जाती है, और जब सांस की नली सूज जाती है तो कैंसर हो जाता है, और कैंसर कैंसर से आदमी मर जाते हैं। बाबूजी, बाबूजी मैं अनाथ हो जाऊंगा, ये सिगार और सिगरेट छोड़ दीजिए आप बाबूजी। मैं एक शर्त पे सिगार पीना बंद करूंगा, कि तू ये अंजू का इलाज कराना बंद कर दे। बाबूजी, मैं अंजू का इलाज कैसे रुकवा सकता हूँ? आप तो जानते हैं वो कितनी बीमार रहती है। अंजू की बीमारी का इलाज इन डॉक्टरों के पास नहीं है। तो फिर किसके पास है? कुदरत के पास। कुदरत के इलाज के सामने सारे डॉक्टर फीके हैं। तू उसे मेरे साथ किसी पहाड़ पे भेज दे, एक महीने में कायाकल्प हो जाएगी। पहाड़ भी कोई जाने की जगह होती है? है? अरे वहाँ का मौसम तो हमेशा खराब रहता है, कभी बारिश, कभी बर्फ, कभी गर्मी। अरे वहाँ तो अच्छा खासा आदमी भी बीमार हो जाए। अरे तुम एयर कंडीशन की हवा में सांस लेने वाले, पानी की जगह सोडा पीने वाले, तुमको क्या मालूम पहाड़ की हवा और चश्मे के पानी का क्या जादू होता है? चश्मे का पानी तो कभी नहीं पीना चाहिए, मालूम नहीं क्या क्या होता है उसके अंदर, पत्थर, मिट्टी, रेत, छी 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 छी। अरे डॉक्टर, डॉक्टर मेरी बेटी की। तुम्हें दवाओं पे जियो, घर को अस्पताल बना दो, बेटी को ऐसा खरगोश बना दो जिससे दुनिया भर के डॉक्टर आए और अपना तजुर्बा करके चले जाए। ये घर नहीं है, पागल खाना है। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में पताशा, मुन्नी करे तमाशा। दादाजी। हाँ बेटी। आप मुझसे नाराज नहीं है ना? पगली, मैं तुझसे कभी नाराज हो सकता हूँ? अरे तेरे और मनमोहन के सिवा मेरा दुनिया में है ही कौन? है कोई? कैसे नाराज हो सकता हूँ? दादाजी, आपके हाथ से चिकन की बू आ रही है। चिकन की बू? मैंने साबुन से धोया था। हाँ। आप ये चिकन मटन खाना छोड़ दीजिए दादाजी, पता है उससे रगों में चर्बी जम जाती है, और अगर चर्बी जम जाए तो दिल को खून नहीं पहुंचता है, और अगर दिल को खून नहीं पहुंचे तो हार्ट अटैक हो जाता है, और अगर हार्ट अटैक हो जाए तो फिर आदमी मर जाता है। दादाजी, 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 मालूम है कल उस जालिम ने क्या किया? अरे इतनी का जल्दी है अपनी आप बीती सुनाने की? हाँ जरा अध्यक्ष को तो आ जाने दो। अरे आ गए, 100 बरस की उम्र होगी, तुम्हारा इंतजार हो रहा था। जगमोहन, मेरे दामाद ने जीना हराम कर दिया है मेरा। जगमोहन पहले ये बताओ कि वो हमीद भाई ने सुनना शुरू किया है या नहीं? अरे मैं सब कुछ सुन सकता हूँ, मैं सब कुछ सुन सकता हूँ। चिड़ियों की आवाज, ओए, ओए, बच्चों का रोना और अपने पैरों की पच्चाप। जगमोहन भाई, खुदा आपका भला। मगर ये हुआ कैसे? हमीद भाई की बहू मान कैसे गई? हमारी तरकीब तो अर्जुन का बाण होती है, निशाना कभी खाली जा ही नहीं सकता। कल हम हमीद मियाँ के घर गए और उनकी फैशन की मारी बहू रानियों को देखा तो। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। तो आप इस घर की बहू हैं? आप लगती नहीं कि शादीशुदा हैं। आप तो अभी भी नाबालिग लगती हैं। आप?
ये मैं छप्पन भोग पत्रिका का मशहूर पत्रकार कचोरी लाल हलवा दास और ये मेरा असिस्टेंट मालपुआ कढ़ाई में गिरे। मुझे बुलाया बहू? जी नहीं, आपको किसी ने नहीं बुलाया, बैठिए जाके। ये आपके ससुर हैं? आपने बुलाया? नहीं, मैंने नहीं, मैं सिर्फ पूछ रहा था भाई। बैठो, आप बैठिए। आप मेरा इंटरव्यू क्यों लेना चाहते हैं? अरे कैसी बात करती हैं आप इतनी बड़ी सोशल वर्कर हैं, टाइगर क्लब की मेंबर हैं। मुझे बुलाया बहू? बहरा समाज की लीडर हैं। महिला समाज? तुम्हें क्या कहा? बहरा। महिला समाज की लीडर हैं, गरीबों के लिए इतना फंड इकट्ठा करती हैं, इतनी भागदौड़ के बावजूद भी आपने अपने आप को कितना संवार सजा के रखा है, जैसे लक्स टॉयलेट साबुन का इश्तेहार। बुलाया मुझे बहू? किसी ने नहीं बुलाया, बैठिए। आप मुझे हसीन समझते हैं? नहीं नहीं, नहीं नहीं, बहुत ज्यादा हसीन समझते हैं। ये कौन बनाया है? तला कम है, नमक ज्यादा है। अबे पकड़वाएगा, क्या कर रहा है तू? इधर नहीं उधर। आपको अपने ससुर के साथ लेनी है तस्वीर? हाँ? मुझे बुलाया बहू? उफ। लगता है आपके ससुर को कुछ कम सुनाई देता है। आपने मुझे बुलाया? अब बैठिए, बैठिए। बैठिए। आप एक काम क्यों नहीं करती, इनके लिए एक वो कान का आला ले आइए ना, तो आपको चीखना चिल्लाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि चिल्लाने से चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती हैं। जरूर जरूर, अभी कुछ ही दिनों में मंगवा दूंगी। मंगवा दूंगी मैं तो, वक्त लगता है, लगता है ना। मैं एक काम करता हूँ, मैंने अपनी माँ के लिए काला खरीदा है, तो मैं उनके लिए दूसरा खरीद लूंगा, या आप इनको अपने हाथ से दे दीजिए। शुक्रिया, लीजिए। फोटो सेशन के बाद मैं पैसे दे दूंगी। जरूर दे देना बहू। बहू आपने मुझे बुलाया? जी हाँ, पहले सुना फिर बुलाया। जगमोहन, अगर तुमने मेरी परेशानी दूर कर दी तो अगले जन्म में मैं तुम्हारा पोता बनकर आऊंगा। तुम? हाँ। मेरा पोता? हाँ। और कोई घर नहीं मिला क्या? बताओ, मेरे घर में परेशानियां कम है जो आप मेरे घर में चले आएंगे? आपकी भी परेशानी है? क्यों भाई, मैं इंसान नहीं हूँ क्या? नहीं नहीं है, है, लेकिन आपकी क्या परेशानी है? मेरी सबसे बड़ी परेशानी है मेरी पोती अंजलि जी, और इसकी परेशानी है मेरा बेटा, और मेरे बेटे की परेशानी यह है कि वो ये समझता है कि दुनिया की किसी भी चीज को खाने से इंसान बीमार हो जाता है जी, इसीलिए वो दवाओं पे जीता है। सुबह नाश्ते में दवा खाता है, दोपहर के खाने में दवा खाता है, रात के खाने में दवा खाता है जी, और ये परेशानी उसकी बेटी की भी है जी। उसके दिल में किसी ने वहम बिठा दिया कि इंसान अगर सिर्फ बर्फ की तरफ देख ले तो उसका गला बैठ जाता है जी। अरे तू अपना जीजी बंद करता है नहीं जी, फिर परेशानी कैसे दूर होगी? इस परेशानी को दूर करने का एक तरीका, तरीका ये कि आप सब मिलकर मेरा साथ। जी जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। यहाँ पहले ये बताओ तुम्हारे पिताजी की तबीयत कैसी है? किसी बड़े डॉक्टर को दिखाया भी आपने? डॉक्टर जी, डॉक्टर ने अपने रिपोर्ट में क्या लिखा है जी? रिपोर्ट? ये आप तो क्या कह रहे हैं? तुम्हें कुछ नहीं बताया? नहीं, इसका मतलब ये है कि जगमोहन ने अपने बेटे को कुछ नहीं बताया। तो फिर हमें भी नहीं बताना चाहिए जी। चलो चलो चलो, चलो। अरे हम अभी तो डॉक्टर तक। क्या क्या वाकई बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे अरे कुछ तो बोलो, मेरा ब्लड प्रेशर चढ़ रहा है। बात ये है कि कल जगमोहन भाई इनके साथ बैठकर बात कर रहे थे, बेहोश। ओह माय गॉड, बाबूजी, 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 ये क्या है? क्या है? आपने मुझे बताया नहीं कि कल आप बेहोश हो गए थे। नहीं, वो क्या है, थोड़ी सी मुझे चक्कर आ गई। लेकिन ये क्या है दादी? इसका मतलब ये उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया होगा। ब्लड प्रेशर? बाबूजी, 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 बैठ जाइए, बाबूजी प्लीज बैठ जाइए, बाबूजी, बाबूजी। किसने कहा था कि मुझे चक्कर आ गया या मुझे ब्लड प्रेशर? ओह, ये आप लोगों की मेहरबानी है यार, तुम लोगों के पेट में तो बात रहती नहीं है, आगे सब मेरी बीमारी का बता दिया होगा। अरे मनमोहन, ठहरना बेटा, क्या करी तू? अरे मनमोहन को तो जरा सी बात को पता नहीं। बाबूजी आप इसे जरा सी बात कहते? अरे राम सिंह, वो डॉक्टर की टेलीफोन डायरी ले आओ, जल्दी लाओ। बेटा अंदर सब ठीक है, तू कहां घुसे चली जा रही है? देख मिनट है ना, नहीं डॉक्टर बुलवाने की जरूरत नहीं, मैं जा चुका हूँ उसके पास। एक मिनट यार, मुझे कोई बोलने देगा तो मैं बोलूंगा, तुम ही लोग बोलते चले जा रहे हो। बोलू जी? हाँ। डॉक्टर ने कहा
कि किसी पहाड़ी इलाके पे चले जाओ तो तबीयत ठीक हो जाएगी। तो फिर आप जाते क्यों नहीं दादाजी? हाँ हाँ बाबूजी, वैसे भी हमारा हिल स्टेशन का मकान तो हमेशा खाली पड़ा रहता है। हिल स्टेशन? हिल स्टेशन पे क्या रखा है? कितनी बकवास जगह होती है। जब देखो मौसम खराब, कभी बारिश, इधर सुनो मेरी, कभी बारिश, कभी सर्दी, कभी नजला, कभी जुकाम, कभी बुखार। जगमोहन जी, पहाड़ी पर न धूल, न धुआं, न गैस, वहाँ खांसी जुकाम कैसे हो सकता है? हाँ बाबूजी, बात तो सही कह रहा है। और पानी कुएं का गंदा और चश्मे का बिना फिल्टर का पियो तो पेट खराब हो जाता है। ये क्या कह रहे हैं आप? वही चश्मे का पानी लोग बोतल में भरते हैं तो बिस्लरी कहलाता है, लोग पैसे देकर खरीदते हैं और वो पानी पीने से पेट खराब नहीं होता। मुझसे मत बोलो, इनसे बोलो। बाबूजी, बात तो ये भी सही है। नहीं, मगर मैं फिर भी नहीं जाऊंगा। लेकिन क्यों? तुम तो जानते हो कि मैं अपने अंजू को देखे बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता। अगर मैं गया तो मेरी बीमारी बाबूजी। दादाजी, आपकी उम्र में छोटी सी बीमारी भी खतरनाक मर्ज हो सकता है, जैसे दिमाग पर असर पड़ सकता है। और अगर दिमाग पर असर हो जाए तो ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। और अगर ब्रेन ट्यूमर हो तो आदमी मर सकता है। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब बाबूजी, आप प्लीज अंजू को हिल स्टेशन, आप अंजू के साथ हिल स्टेशन जाइए। अंजू, यू प्लीज गो विद बाबूजी टू द हिल स्टेशन। हां दादाजी, हम दोनों चलेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू। बोल बोल मैं कौन, मैं लावारिस हूँ या डॉन, नट पर लाल या महान, शहंशाह या तूफान। बोल बोल मैं कौन, मैं लावारिस हूँ या डॉन, नट पर लाल या महान, शहंशाह या तूफान। बोलो 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 बोलो। तुमसे पूछूं एक सवाल, इश्क किसे कहते हैं? उर्दू का लफ्ज है। प्रेम किसे कहते हैं?
कितनी नादान हो, मुश्किल है तुम्हें समझाना। ओ, मेरा नाम अगर मालूम नहीं, मेरा नाम अगर मालूम नहीं, आशिक कह ले या दीवाना। मेरा नाम अगर मालूम नहीं, आशिक कह ले या दीवाना। सबके लबों पे है मेरी बातें, मैं हूँ दिलों का अफसाना। मेरा नाम अगर मालूम नहीं, आशिक कह ले या दीवाना। सबके लबों पे है मेरी बातें, मैं हूँ दिलों का अफसाना। तेरा नाम मुझे मालूम नहीं। तुझे इसका नाम कहाँ से मालूम पड़ेगा? चार घंटे से तो आंखें बंद करके ऐसी लेटी हुई जैसे कोई बहुत बड़ा सपना देख रही थी। इसका नाम है काशीनाथ घोड़े वाला। ये काशी अगर हमें सही वक्त पर न मिला होता तो इस कमबख्त गाड़ी को बीच सड़क पे छोड़ के जाना पड़ता। क्या हुआ दादाजी? क्या हुआ दादाजी, तेरे और तेरे बाप की बीमारी लग गई थी इस गाड़ी को। ए काशी, ये मेरी पोती जाग गई है, इसका नाम अंजू है। नमस्ते मेम साहब। क्या बोला? नमस्ते बोला। मैंने यहाँ नहीं सुना, तुझने वाक्य खाक सुना होगा। नमस्ते। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे हाँ अंजू, ये काशी ने हमें तारागढ़ में रहने का बड़ा अच्छा सुझाव दिया है। लेकिन दादाजी, तारागढ़ में तो हमारा घर है। हाँ काशी, तुम क्या कर रहे थे? हाँ मेम साहब, ये जो बड़े बड़े होटल है ना, ये तो सिर्फ नाम के है, किराया भी हजारों में लेते हैं। हमारे एक बनारसी चाचा है जिनका अच्छा खासा बंगला है, बड़े बड़े कमरे, फाइव स्टार होटल की सभी सुविधाएं, और किराया किराया तो ना के बराबर। अच्छा, क्यों बनारसी, अब की बार तुमने किराया में 50 रुपए बढ़ा दिए? हाँ, मैं छोटा आदमी हूँ ना, इसलिए आप मुझसे पूछ रही हैं। अरे इस सरकार को देखो, हर साल भाव बढ़ा देती है, हर महीने भाव बढ़ा देती है, हर हफ्ते भाव बढ़ा देती है। उनसे क्यों नहीं पूछती? ये लो, 4 दिन का एडवांस रख लो। हाँ तुम बहुत बढ़िया हो, एडवांस देती हो ना, आया करो। मैंने कहा था ना, यही वो बंगला है। दादाजी, ये तो हमारा बंगला है। मुफ्त का तमाशा देखना है ना, तो चुपचाप रहे, लेकान में रख, चल चल। चाचा, मैंने उनको दुगना किराया बताया, मान गए। आओ जल्दी, तो सुबह से मेरी पाया। पा, 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 पा। ये हमारे नए कस्टमर। और ये कौन है? ये हमारे मालिक। ओ, ये मालिक है, ये मालिक है। नमस्ते मालिक, पाई लागे मालिक। मालिक नमस्ते करो। नमस्ते मालिक। ये तुम्हारे मालिक रो क्यों रहे? मालिक, मालिक आप रो क्यों रहे? ये आके असली मालिक है। मालिक, ये काशी कहाँ गया? वो डर के मरे गायब हो गया। बेटी, बिटिया कितनी बड़ी हो गई ना मालिक। आपकी दुआ है मालिक। बनारसी, एक गिलास गरम गरम दूध लाओ। मेरी तकदीर कितनी पु, पु। ये आवाज किसकी है? ये नहीं मालकिन। बनारसी, बनारसी, अरे कचौरी लाल हलवादा जी, आओ। दादाजी, आपको देखकर मेरे दादाजी गायब हो गए, आप कौन हैं? मैं यहाँ हूँ बेटी। दादाजी, ये कैसा जादू है? ये जादू नहीं है बेटी, ये दादू है। चल, यहाँ कुछ गड़बड़ है, चल चल। मनमोहन जी, अजीत तो अमेरिका से आने के लिए यहाँ तैयार ही नहीं था। अजी, मैंने उससे कहा कि तुम्हारे माता पिता तो है नहीं और मैं हो चला बूढ़ा। इतनी बड़ी जायदाद, इतना लंबा चौड़ा कारोबार कौन संभालेगा? बड़े हाथ पांव जोड़े,
तब जाके उसने भारत की धरती पर कदम रखा। अच्छा किया कि तुमने बुला लिया। देखो अंजलि भी जवान हो गई है और मैंने जो अजीत के पिताजी से वादा किया था उसे मैं निभाना चाहता हूँ। अजी ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये लीजिए आ गया। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जीते रहो बेटे। कैसे हो? मैं ठीक हूँ अंकल। माफ करना जब तुम परदेश से आए थे तो मैं भी परदेश गया था इसलिए तुमसे मुलाकात नहीं हो पाई। हाँ मैंने भी घर पर फोन किया था अंकल, पता चला कि अंजू भी हिल स्टेशन गई हुई है। थैंक यू। हाँ डैडी को डॉक्टर ने कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए कहा है इसलिए अंजलि भी उनके साथ तारागढ़ गई है। दादाजी दादाजी ये तीन गमले लिखो। वो देखो बेटा वो जो है ना। नहीं ये। साहब आपने मुझे माफ कर दिया ना। आइए मेम साहब आपको इन फिजाओं की नगमों की मस्ती में झूमते झूमते ऊंचे ऊंचे पेड़ों का नाच दिखाएं। तो शायर महाराज शायरी बंद करो और मेरी पोती को सीधे से घुमाने ले जाओ। जी साहब। रास्ते में शायरी नहीं चाहिए। झूठ बोल रहा है ना। ले जाओ जा बेटी। बाय बाय। चला नजारे मेरे यार हैं देखो गुलों से गुलजार छोटे गांव ठंडी ठंडी छांव सारे करिश्मे हैं मौसम के। चला नजारे मेरे यार हैं देखो गुलों से गुलजार भला रूप मीठी मीठी धूप कितना
नींद लुभाती है आंखों को। मैं चला नजारे मेरे यार हैं, देखो गुलों से गुलजार हैं। चल बेटा, अरे क्रिकेट खेल रहा है, कबड्डी खेल रहा है, बॉलिंग करना, थका दिया एक तो। बॉल किधर है? बॉल इधर है। उल्लू का पट्टा बॉल नहीं डाला तूने? मैं अब तक 21 बॉल फेंक चुका हूँ, आपने एक भी रन नहीं बनाया मालिक के नाम से। वो मुझे थोड़ा गर्म होने दे, फिर देख मैं कितना रन बनाता हूँ। चल बॉल डाल। करता हूँ, भागना पड़ेगा। विकेट का फासला कम कर देता हूँ, अब खूब रन बनेंगे। फिफ्टी, फिफ्टी वन, फिफ्टी टू, ये क्या हो रहा है? 52 रन्स। पहली मैच मैं जीत गया, इंडिया जीत गई, जिम्बाब्वे हार गई। कौन सा जिम्बाब्वे? तू जिम्बाब्वे। अब सेकंड मैच स्टार्ट, तुम्हारी बैटिंग मेरी बॉलिंग, लो आउट। मैं जीत गया, मैं जीत गया। कैसे जीत गए? ये तो चीटिंग है। काहे की चीटिंग है? ऊपर से ही हुआ ऐसा हंगामा। अरे मगर तू वहां पहुंचा नहीं हो, मैंने तेरे को रन आउट कर दिया तो। अरे वो ऐसे क्या, तेरे को पता है ऐसा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। वो तू किसी ने बैठ चल, आपको अच्छा ला, मैं नहीं खेलता। मैं भी निकलता, मैं नहीं खेलूंगा, मैं नहीं खेलूंगा, नहीं खेलूंगा। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों नरम। बोली मुस्कुराती मैया सुन मेरे प्यारे, नुनु नुनु रा राम राम मेम साहब। मेरा नाम अंजू है, मुझे अंजू कहा करो। चलो ठीक है, अंजू मैम साहब, पहले आप बैठ जाइए। हाँ, अब एक ग्लास ताजा गर्म दूध पी जाइए, इससे आपकी तबीयत दिन भर खुश रहेगा। हाँ नहीं नहीं, इसे पिया नहीं जाता, इसमें बैक्टीरिया होता है, और अगर बैक्टीरिया जिस्म में फैल जाए तो आंतों पर असर हो जाता है, और अगर आंत कमजोर हो जाए तो कुछ अपशगुन हो जाता है, तो फिर आदमी मर जाता है। अरे राम, हमने तो ऐसा कभी नहीं सुना। मैं पी के दिखाऊं आपको। अब मुझे मालूम पड़ा दूधो नहाओ फूलो फलों का मतलब क्या होता है। इमली एक कच्चा दूध पी रही थी तो मैंने इसे गिरा दिया, सॉरी आपको लगा। काशी, अंजू मैम साहब कहती हैं कच्चे दूध में बैटरी होता है। बैटरी नहीं, बैक्टीरिया। वही, और ये भी कहती हैं कच्चा दूध पीने से आदमी मर जाता है।
क्या बात कर रही है मेम साहब, अगर ये सच है तो मैं 7200 बार मर चुका होता, क्योंकि जब से मैं पैदा हुआ हूँ हर रोज यही दूध पीता हूँ। हाँ, नामुमकिन। नामुमकिन? हाँ, इम्पॉसिबल। अच्छा ला ला, नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाता हूँ। क्या हुआ इन्हें? पूरा खून जहर हो गया। डॉलफ्स आइस फाइट ओपन चैलेंज कंपटीशन, जीतने वाले को 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है दीदी काशी, भैया बिल्कुल ठीक है। ऐसे कैसे हो सकता है? और उन्होंने उस बर्फ वाली लड़ाई के मुकाबले में हिस्सा ले लिया है, और अगर वो जीत गए ना तो उन्हें पूरे 1000 रुपए इनाम मिलेंगे। हाँ चलो चलो। के 1000 रुपए के इनाम के हकदार हैं काशीराज, और साथ ही उन्हें डॉलप चैंपियनशिप का मेडल भी दिया जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर विन। होगा मेम साहब, आप अभी ठीक हो जाएंगी। देखा तुम्हारे बचकाना हरकतों का नतीजा। अरे मुझे क्या मालूम ऐसा होगा। तुम लोग झगड़ा कर रहे हो। इधर ला ये लीजिए मेम साहब, ये क्या है? हल्दी का दूध है, पी लीजिए आराम हो जाएगा। ये देसी दवा सब नाटक है, मुझे इस पर भरोसा नहीं। मुझे एक MBBS डॉक्टर ले आओ। अरे जाओ। जाता हूँ। जाओ। अरे जाता हूँ ना, लेके आता हूँ डॉक्टर को। हाँ हाँ जा रहा हूँ, ला रहा हूँ डॉक्टर को। MBBS डॉक्टर चाहिए यहाँ पे। एक पल भी शांत नहीं रहता। अरे काशी भैया बहुत परेशान हो क्या? हाँ, बहुत परेशान हूँ। खाली पेट गाजर खाओ, सब ठीक हो जाएगा।
डॉक्टर मिल गया, डॉक्टर मिल गया। अभी तक डॉक्टर नहीं आया? आ जाएगा मैम साहब, आता ही होगा। उसके पहले मैं बर्फ हो जाऊंगी, मेरी नसें सिकुड़ जाएंगे। नसें सिकुड़ जाने से खून का बहाव कम हो जाएगा, और अगर खून का बहाव कम हो जाए कुछ नहीं होगा मैम साहब। मुझे एक बहुत काबिल डॉक्टर मिल गया है, डॉक्टर काशीनाथ झूठा वाला। वो MBBS है ना? अरे उससे भी ज्यादा, MBBS ABCDFOOL। अच्छा हाँ, ये दो गोलियां गाजरोमाइसिन। चबा लो, डॉक्टर कहता है इसे चबाने से गर्मी आ जाएगी। गर्मी आ रही है ना? लगता है आ रही है। काबिल डॉक्टर तो काबिल डॉक्टर है ना। ये मुलिनेक्स। मुलिनेक्स वो खोलो और झट से चबा जाओ। सांसें ठीक हो रही है? लगता है ठीक हो रही है। तो फिर, और ये है जलजीराजन। 10 दिन की खुराक एक साथ। क्या नाम बताया उस डॉक्टर का? डॉक्टर काशीनाथ झूठा वाला। अगर ये डॉक्टर वक्त पर नहीं मिलता तो मैं आज आपसे नहीं मिल पाती। मतलब इतनी असरदार दवा है उसकी? हाँ चाचा, वो दवा ही नहीं थी, सब नाटक था। तो फिर अंजू बेटी ने तुम्हारी बातों पर यकीन कैसे कर लिया? ये सब उन बड़े नामों का कमाल है। यानी गाजर की गोली होगी गाजरोमाइसिन, मूली के टुकड़े हो गए मुलिनेक्स, और जलजीरा जलजीरा बन गया जलजीराजन। ऐसे बड़े बड़े नामों से ही इन लोगों को तसल्ली मिलती है। मैंने कुछ सुना नहीं। काशी, तुमने अंजू की बहुत सही नस पकड़ी है बेटे। अंजू जिस घर में रहती है ना, वहां सुबह शाम दोपहर हर घड़ी दवाई बीमारी इलाज इन्हीं सब चीजों की बातें होती रहती हैं। अंजू डूबती जा रही है उसमें, और वो उसमें न डूबे इसीलिए मैं उसे इस पहाड़ी की खुली फिजा में लेकर आया था कि वो जिंदगी को करीब से देख सके, तुम जैसे सादा लोगों की जिंदगी को देखकर जिंदगी को सही तरीके से गुजारने का तजुर्बा हासिल कर सके। आप फिक्र मत कीजिए दादाजी, सब ठीक हो जाएगा। अंजू मेम साहब के पास खूबसूरती है, तंदुरुस्ती है, आपको प्यार करने वाले अच्छे दादाजी, नाज उठाने वाले प्यारे पिताजी, दुनिया की हर ऐश हर खुशियां खरीदने वाली दौलत है, फिर भी हर वक्त आप अपने आप को बीमार समझती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी बीमारी के शिकार होते हैं, वो जिंदगी के हर गम हर दुख में जिंदा दिल से जीते हैं। जब तक जीवन है जीने का मजा लेना चाहिए, खूब हंसना मुस्कुराना गाना चाहिए, कौन जाने कब हमसे ये सब छीन जाए। नमस्कार। माँ नहीं है? माँ चाय के बागान में काम करने गई है। मैंने सवेरे सवेरे ताजा दूध पिया। इसके अलावा आपके पास दूसरा काम ही क्या है? क्यों, क्या हम लोग काम नहीं करते? काम? आप लोग 10 बजे तो अपने मोटे मोटे बिस्तर से सोकर उठते हैं, एक कदम उठाया तो स्नान कर, जहाँ सुबह का सारा काम हो जाता है, दूसरा कदम उठाया तो नाश्ता कर लिया, और तीसरा कदम उठाया तो गाड़ी में बैठ के निकल गए। देखा, आप लोगों को थोड़ी भी धूप बर्दाश्त नहीं, जिस्म से पसीना निकलने नहीं देते और पोंछ लेते हैं, इसलिए सब बीमारियां आप लोगों के साथ है। तो क्या आप लोग बीमार नहीं पड़ते? पड़ते हैं, जब हमें पसीना नहीं आता, जब हम काम नहीं करते हैं, जब हम उस मालिक के दिए हुए हाथ पैर का इस्तेमाल नहीं करते,
लेकिन तुम लोगों को बोलने का फायदा है क्या जिनको काम की अहमियत ही नहीं मालूम? मगर हम काम क्यों करें? हमारे सारे काम हमारे नौकर करते हैं। आपके नौकर सब काम करते हैं, इसका आप पे क्या असर होता है मालूम? क्या? आपको भूख नहीं लगती इसलिए आपको गोलियां खानी पड़ती हैं। हमें गोलियां खाने की जरूरत नहीं क्योंकि हम काम करते हैं। आपको अपना खाना हजम करने के लिए गोलियां खानी पड़ती हैं। हमारी मेहनत हमारा खाना हजम कर देती है। आपको गोलियां खाए बगैर नींद नहीं आती लेकिन हमारी थकान हमें सुला देती है। आपको गोलियों पर भरोसा है लेकिन अपने आप पर नहीं। आपके ये दो हाथ सिर्फ पका पकाया खाने के लिए हैं और ये दो पैर सिर्फ जूता पहन के घूमने के लिए हैं। आप सुस्त हैं, आप कायल हैं, आप कामचोर हैं, कामचोर। आपको गोलियों पर भरोसा है लेकिन अपने आप पर नहीं। आपके ये दो हाथ सिर्फ पका पकाया खाने के लिए हैं और ये दो पैर सिर्फ जूता पहन के घूमने के लिए हैं। हजारों टन का वजन उठाए हुए परसों से धूप में खड़े हैं, ये बीमार हुए हैं क्या? अरे पेड़ और इंसान में फर्क होता है बेटी। और फिर तुम तो शहर की रहने वाली हो, तुम्हें ये सब काम की आदत नहीं, लाओ मुझे दो। नहीं दो। नहीं, आदमी के लिए काम करना बहुत जरूरी है। काम करने से भूख लगती है, काम करने से खाना अच्छी तरह हजम हो जाता है, काम करने से खून बनता है और काम करने से आदमी अच्छा हो जाता है। ये सब बातें वो काशी ने सिखाई ना तुम्हें? वो तो कल से मिला ही नहीं। अरे मैं जानती हूँ वो। अरे शाबाश डॉक्टर काशीनाथ, यार मैं जो बरसों में नहीं कर सका तुमने थोड़े ही दिनों में करके दिखा दिया। कसम से कहता हूँ अगर तुम्हारे जैसा समझाने वाला अंजू बिटिया को बहुत पहले मिल गया होता ना तो वो वैसी ना होती जैसी कल तक थी। बेशरम नारायण, तूने क्या समझा अंजू बिटिया को? देख तो कैसे धूप में काम कर रही है। अरे अरे मां, इसे क्यों मारती है ये? ये हरकत इसे मैंने करने के लिए कही थी। आपने? हाँ, दरअसल मैं अंजू को ये बताना चाहता था कि दुनिया के 80% लोग कैसे जीते हैं, कैसे धूप में जल जल कर दिन भर मेहनत करके अपने दो वक्त की रोटी कमाते हैं। हम लोग जो जिंदगी गुजारते हैं ना वो नकली है। मगर मालिक, बिटिया को काम करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही कहा तुमने बहन, काम करने की क्या जरूरत है? यही असली बीमारियों की जड़ है हम अमीर लोगों की दुनिया में, काम नहीं करते। मालिक, अगर उसे समझाना ही है तो किसी दूसरे तरीके से समझाइए। देखिए तो बेचारी पसीने में कैसे तरबतर हो रही है। इससे पहले कई बार मैंने अंजू को पसीने में देखा है लेकिन आज जो पसीना अंजू के माथे पे बह रहा है वो पसीना नहीं है बहन, वो मेहनत की मोती है। वो सारी जिंदगी दूसरों की मेहनत को देखकर उसकी कदर करेगी। Thank you.
काहिल नहीं, ना ही कामचोर हूं। अब मैं काम करने लगी हूं। नाजुक सी कली थी, छाया में पली थी, तुझे मैं धूप में लाया। छाया में पली थी, नाजुक सी कली थी, तुझे मैं धूप में लाया। तो माफी मांगता हूँ तुझसे, माफी मांगता हूँ तुझसे, ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा। शबनम में खिली मैं, मौसम से तूने मिलवाया। शबनम में खिली मैं, किरणों से मिली मैं, मौसम से तूने मिलवाया। तो तेरा शुक्रिया मैं करूं कैसे, तेरा शुक्रिया मैं करूं कैसे, ओ साहिबा। देख न पीछे, ऊपर अंबर धरती नीचे, उड़ जा पंछी देख न पीछे। जोश नया है मन के अंदर, पार करूंगी सात समंदर। चल रही है साथ मेरे आठ दिशाएं, ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा। अच्छा बता अब कैसा लगता है? दिल को लुभाने लगी है अब तो फिजाएं हैं, ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा। साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा।
दीवार। नाजुक सी कली थी छाया में पली थी, इसे तू धूप में लाया, इसे तू धूप में लाया। माफी मांगता हूँ तुझसे, तेरा शुक्रिया मैं करूँ कैसे। ओ साहिबा, ओ साहिबा, नमस्ते मालिक, नमस्ते मालिक। नमस्कार बनारसी, सब ठीक ठाक? सब। जानते हो ये कौन है? आप अजीत बाबू हैं, हमने इन्हें अंजू के लिए पसंद किया है। नमस्ते, बहुत ही अच्छी रहेगी जोड़ी मालिक के नाम से, जैसे फूल के साथ। आओ अजीत, खुशबू। अरे जल्दी आओ सामान। देखो कितनी खूबसूरत जगह है। वो तो है, मगर तुम उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो। वो कैसे बना रहे हो? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैं तो सोच रहा था कि अंजू मिलेगी, 10-12 ऊनी कपड़े पहने, बंदर टोपी लगाए, मोटा सा चश्मा चढ़ाए, मुंह से विक्स की बू मारती हुई, लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ और है। ए, अचानक ये इनकलाब आया कैसे? इस धरती का कमाल है और कुछ काशी का। काशी? ये काशी कौन है? काशी, अरे वो देखो, 100 साल उम्र है उनकी। काशी, काशी! अजीत, ये है डॉक्टर काशीनाथ झूठा वाला, जिन्होंने मेरा इलाज किया। और काशी, ये है अजीत। सलाम साहब। सलाम काशी, तुम एक बहुत ही अच्छे राइडर हो। अजीत के पास घोड़ों का फार्म है, इसीलिए इन्होंने तुम्हारे अच्छे राइडर होने की नर्स पकड़ी। बहुत ही दिलचस्प आदमी मालूम होते हो काशी, हमारे स्टार्ट फार्म पे जरूर आना, शायद हम दोनों एक दूसरे के कुछ काम आ सके। जरूर साहब, मगर उससे पहले आज रात बंगले पर जरूर आना, बोलो ना। अरे हाँ, आज मेरा जन्मदिन है और तुम्हें जरूर आना है। जी साहब। कोई पत्ता नहीं हिला,
फिर कैसे चली पुरवाई, कोई फूल कहीं ना खिला, फिर खुशबू कहाँ से आई, कोई पत्ता नहीं हिला, फिर कैसे चली पुरवाई। चाहत के खुमार का ये जादू है प्यार का, मुझे हो गया है प्यार किससे, तुमसे मुझे हो गया है प्यार तुमसे, हाँ तुमसे। कोई फूल कहीं ना खिला, फिर खुशबू कहाँ से आई, कोई पत्ता नहीं हिला, फिर कैसे चली पुरवाई। उजली धूप में भी मुझको चांद नजर आए, गर्मी के इस आलम में बर्फ गगन क्यों बरसाए। ये सरगम है वक्त यही ठहरा, फिर कैसे ढला ये मौसम। चाहत के खुमार का ये जादू है प्यार का, मुझे हो गया है प्यार किससे, तुमसे मुझे हो एक साथ चले मदमाती मदहोशी में, उल्फत के अरमान पले। कोई डोर कहीं ना देखी, फिर कैसे जुड़े ये बंधन, दो प्राण कहीं ना मिले, फिर कैसे मिले है जीवन। चाहत मुझे हो गया है प्यार किससे, तुमसे मुझे हो गया है प्यार तुमसे, हाँ तुमसे। तुम अंजू मैम साहब और मेरे प्यार के बारे में क्या सोचती हो माँ? शर्म आनी चाहिए तुझे ऐसी बातें करते हुए, कहाँ तू और कहाँ अंजू बिटिया। तो इसका मतलब है ऐसा नहीं हो सकता। सपने और सच्चाई में उतना ही फर्क होता है काशी, जितना धरती और आकाश में। बंद आंख से तू कुछ भी कर सकता है, मगर खुली आंख से नहीं।
अरे काशी आज गया नहीं काम पे? अरे जाना यार। माँ लेकिन मुझमें क्या बुराई है? क्या अच्छाई क्या है तुझमें? हाँ अच्छा बता, तेरे पास दौलत है? नहीं। जायदाद है? नहीं। कोई काम जानता है? नहीं 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 नहीं। फिर है क्या तेरे पास जिसे लेकर अंजू जैसे लड़की का हाथ मार? अरे माँ 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 तो भूल जाना अच्छा है? बहुत अकलमंदी होगी। राजा का हाथी मांगने से पहले अपनी कुटिया की ऊंचाई देख लेनी चाहिए। फिर क्या हुआ? मेरे पास माँ के किसी सवाल का जवाब नहीं था, इसलिए मैं फेल हो गया। लेकिन माँ अगर मुझसे एक सवाल और पूछ लेती ना तो मुझे 100 में से 100 नंबर मिल जाते। कौन सा सवाल? अगर वो मुझसे पूछती कि मैं आपसे कैसा बर्ताव करता तो मैं कहता जैसे एक मंदिर का पुजारी अपनी देवी के साथ करता है। खैर अच्छा हुआ माँ ने मेरी आंखें खोल दी। राजा का हाथी मांगने से पहले अपनी कुटिया की ऊंचाई जरूर देख लेनी चाहिए। आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना मेम साहब? आपने मुझे माफ कर दिया ना? आपकी कसम मेम साहब, कल रात तक मेरे मन में आपके लिए पाप था, लेकिन अब बिल्कुल नहीं है। मेरा मन एकदम साफ है। मुझे विश्वास है। तो फिर ये लीजिए, माँ ने आपके लिए छोटी सी भेंट भेजी है। उसे इतनी शर्म आ रही थी कि वो खुद नहीं आई। मुझे खा के तू ले जा। इतनी खूबसूरत साड़ी, मैं अभी आई। काशी साहब आप लोग जा रहे हैं? ऐसा लगता है कि आप लोग कल आए और आज जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम लोग कितने करीब आ चुके हैं। पर बेटा जिस तरह तुमने अंजू को बदला है दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बदल सकता था। ये तो आपका बड़ापन है साहब। नहीं बेटा, बड़े तो तुम हो। मैंने सब सुन लिया है। काश दुनिया के सब लोग तुम्हारे दिल की तरह साफ और जबान के सच्चे होते। खैर अभी तो जा रहे हैं, लेकिन कभी भी किसी मदद की जरूरत हो तो संकोच मत करना। ये आपकी माँ के लिए और ये तुम्हारे लिए। ये इतना महंगा तोहफा ले लेना मालिक के नाम से। शुक्रिया मैम साहब। अंजू पता नहीं कहां चली गई। आ जाएगी सरकार, मैं भी क्या सोचता हूँ उसकी दाद दीजिए। देखिए 10 दिन के बाद में होली है। होली खुशी का त्योहार है, उसमें एक और खुशी मिला दीजिए, अंजू और अजीत की सगाई कर दीजिए। अच्छा हाँ। आपका मतलब है एक पंथ और दो काज? जी हाँ बिल्कुल। अंजू क्या हुआ, गिर पड़ी क्या? पांव पे चोट तो नहीं लगी? अरे मेम साहब आप गिर पड़ी, चोट तो नहीं लगी? घुड़ सवारी और साइकिल सवारी में फर्क होता है डार्लिंग। कहीं तुम ये साबित तो नहीं करना चाहती कि तुम मुझसे बेहतर घुड़ सवार हो? अरे 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 संभल के, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? ठीक है, शुक्र करो कि ज्यादा चोट नहीं लगी, वरना कल होली की पार्टी में तुम्हें सबके सामने पट्टियां बांधकर बैसाखी पहनना पड़ता। सर सर आपका फोन। हाँ आता हूँ, डोंट वरी बी ब्रेव, और हाँ डॉक्टर की जरूरत हो तो बता देना। ओके आराम से बैठिए, छोटी सी चोट है, अभी देखो जादू करके ठीक कर देता हूँ। छू
हो गया ना ठीक, देखा मैंने कहा था, हंसी हंसी है। अच्छा अब आ गए, मैं दोपहर में आपके लिए खाना लेके आई थी और आप गैर हाजिर थे, कहाँ गए थे आप? माँ घर में नहीं है क्या? नहीं है। इसीलिए तेरी जुबान इतनी आजाद है। पहले तो ये बता, तो आज फिर अपना काम छोड़कर अपने गुरु का फिल्म देखने गया था ना? क्या ये जरूरी है कि तुझे हर चीज बताऊं कि मैं कहाँ जाता हूँ, क्यों जाता हूँ, किसके साथ जाता हूँ, क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ? क्या ये जरूरी नहीं तो अपने घर वाले को बताए, वो जब होगा तब देखेंगे। ठीक है। बंद करती है मेरे को। एक बार हाथ में तो आ, बताता हूँ तेरे को मैं। आएगी कब? चक्कर आ रहा है? नहीं, नहीं। सांसें क्यों खड़ रही हैं तुम्हारी? कल की होली मुझे आज दिखाई दे रही है, लगता है मैं भी से उसे होली में भीग गई। इसी खुशी में मेरे साथ से फूल रही है। हाँ। अंजू तुम यहाँ क्या कर रही हो? कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि तुम इस घर की मालकिन बनने वाली हो। अंजू ये सब लोग तुम्हारे नौकर चाकर हैं, इन्हें तुम्हारे सामने सर उठाने और ऊंची आवाज में बात करने का भी हक नहीं है, और तुम इनके साथ रंग खेल रही हो, कमाल है। क्या सोचेंगे ये लोग और क्या कहेंगे वो लोग जो हमारी सगाई में शरीक होने जा रहे हैं? हाँ चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, कम ऑन कम ऑन। ऑफ अंजू कम ऑन, डोंट डिले नाउ, मूव कम ऑन मूव। Come on.
वो चमन होए है मस्ती की बाहों में। भंग दे थोड़ी सी भंग दे हम भी मनाएंगे होली। ओ भंग दे थोड़ी सी भंग दे हम भी मनाएंगे होली। फागुन ने पागल किया है, फागुन ने पागल किया है। जानती हो जाते जाते क्या कह रही थी? कहने लगी कि अंजू को पूछ लेना कि उसको डायमंड्स पसंद है कि रूबीज। शायद शायद हमारी शादी में कोई गिफ्ट देना चाहती हो। और हाँ, जल्दी से तैयार हो जाओ, डॉक्टर कपूर ने हमारी सगाई की खुशी में एक पार्टी दी है। कोई अच्छी सी साड़ी पहन लेना। ओके, मैं भी तैयार होता हूँ। वी आर ऑलरेडी लेट, बाय बाय। इतनी खूबसूरत साड़ी। ऐसे क्या देख रहे हो दादाजी? देख रहा हूं कि मेरी अंजू को जितना खुश होना चाहिए था उतनी खुश है नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है दादाजी, मैं बहुत खुश हूँ। झूठ, रिश्ते में मैं तेरा दादा जरूर हूँ, मगर माँ से बढ़कर हूँ तेरे लिए। मैं तेरी एक एक हरकत से, तेरे चेहरे के उतार चढ़ाव से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। ऐसे लगता है जैसे मेरे अंजू के मन में कोई दुविधा है। अच्छी चीज नहीं है बेटी, निकाल दे इसको। कुछ हो तो अपने दादा को बता। बोल बेटी। मैं जरूर बताऊंगी दादाजी, जरूर बताऊंगी। काशी काशी, तुम्हें मालूम है अजीत बाबू के मामा है ना, वो यहाँ क्या, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अरे अब हमारे घोड़ों की जगह उनकी मोटर गाड़ियाँ चला करेंगे। चुप, जो टूर हम दिन भर में कराते थे अब वही टूर घंटों में कराएंगे। अजीत, हाँ, गुड मॉर्निंग। क्या ये सच है जो मैंने सुना है? क्या सुना है तुमने? बैठो ना, कम ऑन सिट। यही कि तुम हिल स्टेशन पर मोटर गाड़ियाँ चलवाना शुरू करने वाले हो। कैसा लगा ये आइडिया? मगर तुम लोगों की गाड़ियां अगर वहां चलने लगी तो उन बेचारे घोड़े वालों का क्या होगा? अगर ऐसे सोचते हमारे दादा परदादा तो शायद इस दुनिया में बैलगाड़ी की जगह मोटर गाड़ी और नाव की जगह जहाज कभी आते ही नहीं। अंजू, हम 21वीं सदी की ओर जा रहे हैं, आगे की सोचो, पीछे वालों की नहीं। मगर उन बेचारों की तो रोजी रोटी छीन जाएगी। तरक्की से किसी की रोटी नहीं छीनती अंजू, सिर्फ रोटी कमाने का जरिया बदल जाता है। तुमने भी आज मुझे
कहाँ उलझा दिया। खैर छोड़ो इन बातों को, देखो आज पीसी सरकार के मैजिक शो का आखिरी दिन है, चलो वहां चलते हैं। अरे कमाल का जादूगर है, हवा में से फूल क्यों निकालता है, ही इज जस्ट ब्रिलियंट। क्या पीसी सरकार अपने जादू से घोड़े वालों के लिए खाना बना देगा, रोटी पैदा कर देगा हवा में से, खाली टोकरी से चावल निकालेगा? अंजू क्या हो गया है तुम्हें, क्यों तुम बार बार एक ही बात कर रही हो, क्यों इतनी चिंता कर रही हो उन घोड़े वालों की? हाँ क्योंकि मैं उनके साथ रही हूँ, जानती हूँ मैं उन्हें, उन्होंने मुझे जीने का तरीका सिखाया है। तुम उन सब की बात कर रही हो या काशी की? समझ लो काशी की, उसने मुझे नया जीवन दिया है, उसके एहसान है मुझ पर। मैं तुम्हारी सारी बातें समझ गया। अच्छा तुम मुझे एक चीज सच सच बताओ, तुम्हें काशी से प्यार तो नहीं हो गया? हेलो या दैट्स वेरी मच ऑल राइट, नो 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 मेंशन, थैंक यू। तुझे मालूम है माँ ने मुझे आज आखिरी चेतावनी दी है मेरे ब्याह के बारे में? मालूम है। मालूम है? क्या मालूम है? यही कि थोड़े ही दिनों में एक ही घोंसला दो दिलों का अगर हो जाए तो, एक ही घोंसला दो दिलों का अगर हो जाए तो, एक ही सिलसिला धड़कनों का जाए तो। सिलसिला धड़कनों का Thank you.
सिलसिला धड़कनों का बातें करती हो। चलो घर चले। काशी, तुम्हें अकेला छोड़कर मैं किसी दिन ऐसे चली जाऊं तो? तुम पागल हो गई हो क्या? जानती हो तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ, और ये भी जानती हूँ मैं क्या क्या सपने देख रही हूँ तुम्हारे और मेरे पवित्र बंधन के। मैं जानती हूँ ये सब दिन के सपने हैं। ये सपना कैसे हो सकता है? सब बातचीत हो चुकी है और जल्दी हमारी शादी भी होने वाली है। अगर हो जाए तो? हो जाएगी, जरूर हो जाएगी। चल अंदर चल, मैं अभी भगवान के सामने तुझे अपना बना लेता हूँ और ये आशीर्वाद देता हूँ कि हमारा जन्म जन्म का साथ रहे। काशी नहीं, काशी नहीं, तुम्हारा इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, मेरा दिल नहीं संभाल पाएगा इसे, नहीं संभाल पाएगा। ये सच है काशी। मैं इतनी संजीदगी से बात कर रहा हूँ और तुम मजाक उड़ा रही हो। मजाक मैंने नहीं, उसने उड़ाया है। मेरे दिल में छेद देकर। इमली? हाँ। मुझे दिल की बीमारी है काशी। Let us pray for our brother, to our Lord Jesus Christ, who said, I am the resurrection and the life. The man, one who believe on me, even if he dies, and other living person who put in faith, me will ask this to our Lord Jesus Christ. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, Pata nahi. Kisne? शराब दिया मेरी बेटी को। कौन सा मेरा पाप उसके आगे आया? डॉक्टर कहते हैं कि उसके दिल में छेद है। क्या कुछ नहीं किया मैंने, चोरी की, झूठ बोला, मालिक के घर को होटल बनाया, एक एक पैसा जोड़ा, लेकिन कभी भी इतना पैसा जमा ना कर सका।
वो ऑपरेशन हो सके। ऑपरेशन के लिए लाखों रुपए लगता है, अब तो सिर्फ ऊपर वाला ही बचा सकता है मेरी फैमिली को, ऊपर वाला ही बचा सकता है मेरी फैमिली को, ऊपर वाला ही। लेकिन चाचा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इससे पूछ। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बीमारी तुम्हारे रास्ते का कांटा बने और तुम्हारे होठों की मुस्कुराहट छीन ले। डॉक्टर साहब, बहुत दिन तक इलाज न करने की वजह से बीमारी काफी बढ़ गई है। कल तक सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो पता चलेगा कि हालत कितनी खराब है। लेकिन एक बात तो तय है कि इस मर्ज का सिर्फ एक ही इलाज है, वो है ऑपरेशन। और ये ऑपरेशन किसी बड़े अस्पताल में हार्ट सर्जन नहीं कर सकता है। आप लोगों को इमली को शहर ले जाना पड़ेगा। दादाजी, मुझे शादी नहीं करनी है। शादी नहीं करना चाहती? जी। अजी तुझे अच्छा नहीं लगता? लगता है। वो तुझसे प्यार नहीं करता? करता है। क्या वो तुझसे शादी नहीं करना चाहता? चाहता है। तो फिर तू से शादी करना क्यों नहीं चाहती? दादाजी, अजीत अच्छा भी है, प्यार भी मुझसे करता है और शादी भी करना चाहता है, मगर मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, जब उसमें कोई खराबी नहीं है, बात पक्की हो चुकी है, फिर तू ना क्यों कर रही है? अंजू, तू किसी और लड़के से प्यार करती है? तू किसी और लड़के से शादी करना चाहती है ना? बाबूजी, ये आप क्या बोल रहे हैं? ठीक कह रहा हूं। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अंजू ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। यकीन नहीं आता तो खुद पूछ ले। क्या ये सच है कि तू अजीत के साथ शादी नहीं करना चाहती? जी। इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि तुझे वो साइज पसंद आ गया है, नालायक। मैंने तुझे बाबूजी की सेवा करने के लिए ताड़ाघर भेजा था और तूने मेरी बदनामी का बंदोबस्त कर डाला। तुझे शर्म नहीं आई? मनमोहन, मनमोहन, अंजू को इस तरह डांटने से कुछ नहीं होगा। दुनिया का उसूल है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको अपनी जिंदगी का फैसला करने का पूरा हक दिया जाता है। बाबूजी, आपकी इन्हीं बातों ने इसे खराब कर दिया है। खुद तो आपने कभी किसी की बात मानी नहीं, अब इसे भी बागी बना दिया है। वरना एक कमजोर लड़की जो तेज आवाज पर सहम जाती थी, मुझे बदनाम करने की जरूरत करे? कभी नहीं। तो तू चाहता है कि ये सारी जिंदगी तेरी आवाज पर एक सूखे पत्ते की तरह सहम जाए? और तू एक बाप की हैसियत से कभी इसकी खुशी के बारे में मत सोच, इसके सुख के बारे में मत सोच, इसकी जिंदगी के बारे में मत सोच। जिंदगी, खुशी, सुख, क्या एक घोड़ा वाला ऐसे खुशी और सुख दे सकता है? अरे उसके पास खुद खाने के लिए पैसे नहीं है, इसे कहां से खिलाएगा? और जितना पैसा मंजू पर एक दिन में खर्चा करते हैं वो साल भर में नहीं कमा सकता। उस कंगाल के पास भूखी मरेगी तू। जिंदगी खुशियों को दौलत के तराजू में मत तोल बेटा। जिनके पास दिल की दौलत होती है ना, वो दुनिया के सबसे बड़े धनवान कहलाते हैं। ये सब किताबी बातें हैं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि कोई साइस मेरा जवाई बनकर इस घर में नहीं आ सकता है। मनमोहन, कोई जोर जबरदस्ती करने से पहले ये सोच लेके, अंजू बालिग हो चुकी है, जवान हो चुकी है, और जवानी स्प्रिंग की तरह होती, जितना दबाओगे उतनी उछल के ऊपर आएगी। पहले मेरी बात सुन ले, मैं समझता हूं तू क्या कहना चाहता है। मरकल ऐसा ना हो कि कोई गलत कदम उठा ले, इसीलिए मैं चाहता हूं कि अंजू को अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने दे। बाबूजी, अंजू की जिंदगी का फैसला हो गया है, उसकी शादी अजीत के साथ तय हो चुकी है और वो उसी से शादी करेगी। नाउ दैट्स ऑल। सुन लिया तूने?
तो अपनी जिद पूरी कर ले, लेकिन मेरे सामने नहीं, क्योंकि मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं अंजू की आंख में आंसू देख सकूं, इसलिए मैं जा रहा हूं। दादाजी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अंजू, ये तू बोल रही है? तू जैसे मैंने फूल की तरह संभाल के रखा, तू मुझे छोड़ के जाएगी? यही तो अफसोस है दादी, कि आपने मुझे फूल समझा, एक ऐसा फूल जिसे गुलदान में सजाकर रखा जाता है। काश आपने मुझे इंसान समझा होता और ये जानने की कोशिश की होती कि मेरे दिल में क्या है। मुझे ये नहीं बताते कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि मुझसे ये पूछते कि मैं क्या चाहती हूं, जैसे दादाजी पूछते हैं। I'm sorry, daddy. हमारे इस स्टेशन पे ये गाड़ियां वैसे ही खिलेंगी जैसे कमल खिलते हैं तालाब में। अब यात्रियों को अपने स्थान पहुंचने के लिए लंगड़े और बूढ़े टटुओं पर नहीं चढ़ना पड़ेगा। आज से ये हवा से बातें करने वाली ऑटो रिक्शा चला करेंगी। समझ लो, हमारे हिल स्टेशन के तरक्की का दरवाजा खुल गया है और नए दौर की शुरुआत हो चुकी है। स्टार्ट कर भाई। चाहिए तुम्हें? साहब जी, इन ऑटो रिक्शा वालों को निकाल दीजिए यहाँ से। नहीं तो हमसे टकराने का मतलब जानते हैं आप? अबे ये क्या गुंडागर्दी है? देख काशी, यहाँ से चला जा, वरना बहुत बुरा होगा। भूखे मरने से क्या बुरा होगा? अगर मरना ही है तो हम मुकाबला करके मरेंगे। अच्छा तो ऐसे नहीं मानने वाले तुम लोग? अरे धक्के मार के निकालो इनको। Thank you.
चलो पकड़ो इन्हें, पकड़ो सबने, नहीं क्या सुनने करती है? अरे अरे क्या बदतमीजी है ये, कहाँ तो जा रही हो? मैं जो बोलने आई हूँ यहाँ से कह के ही जाऊंगी। अरे मामा जी एक मिनट, कहिए क्या कहना है आपको? तू क्या समझता है मेरे बेटे काशी और चंद घोड़े वालों को जेल में बंद करवा के तू हमें डरा देगा? अरे हम औरतें बच्चे बूढ़े रास्ते पर क्यों ना आ जाए, पर तुझे कामयाब नहीं होने देंगे। क्यों, आखिर क्यों बर्बाद करना चाहता है तू हमारी हरियाली पहाड़ी, जहाँ हम पेड़ पौधों के साथ चैन से रहते हैं? क्यों फैलाना चाहता है वहां मशीनों का धुआं? क्यों, आखिर क्यों, बता ना। देखो देखो बहुत हो गया ये बस। मामा जी बोले दीजिए ने। गरीबों की दुआ ले बेटे, हमारी रोटी मत छीन। हर चीज पैसे से नहीं तोली जाती, लेकिन तुम पैसे वाले हो ना, तुम्हें छीनने की आदत पड़ गई है। किसी को देने में कितना सुख मिलता है तुम्हें क्या मालूम, तुम अभी बच्चे हो मेरे बेटे जैसे, इसलिए तुम्हें बद्दुआ भी नहीं दे सकती। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, कभी किसी गरीब मजबूर की रोजी रोटी मत छीनना बेटे, वरना जिंदगी भर चैन की नींद सो नहीं पाओगे। काशी तुम्हें साहब बुला रहे हैं। काशी, डॉक्टर साहब तुमसे कुछ जरूरी बात करने आए हैं, बताइए डॉक्टर साहब। काशी, इमली को जो दिल की बीमारी है उसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन है, और वो भी फौरन करना पड़ेगा। बरसों तक मर्ज को दबा कर रखने से केस बहुत खराब हो जाएगा। काशी, इमली मर भी सकती है। अगर तुम चाहो तो इस रोते हुए बाप के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कान ला सकते हो। ऑपरेशन का खर्चा हम दे सकते हैं। सर, आप दे देंगे? हाँ, मगर एक शर्त है। क्या? काशी को ये आंदोलन वापस लेना होगा। हाँ वो कर देगा। तुम हाँ कर दो, पैसे तैयार हैं, ऑपरेशन हो जाएगा और इमली की जान बच जाएगी। हाँ कर दे काशी, सोच मत काशी। अरे मेरी बेटी की जान बच जाएगी, तेरी इमली अच्छी हो जाएगी। ये सुझाव तो भगवान की देन है। नहीं काका, ये भगवान की देन नहीं, शैतान की चाल है। मैं अपने साथियों के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर नहीं। ऐसा मत बोल काशी, अरे तूने तो मुझसे कहा था कि तू इमली को कुछ नहीं होने देगा। अरे ऐसा मौका एक गरीब आपको दोबारा नहीं मिल सकता। देख बेटे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ कि मेरी बेटी को बचा ले, मेरी बेटी को बचा ले। अगर इमली आपकी बेटी है तो वो मेरी भी तो जिंदगी है, तो उन 100 गरीबों के साथ धोखा और गद्दारी करके लिए हुए पैसों से क्या इमली अपना ऑपरेशन करवाना चाहेगी? अपने घर को रोशन करने के लिए क्या वो सैकड़ों घरों में अंधेरा करना चाहेगी? नहीं काका, मैं इमली को बचाने के लिए इतने सारे लोगों को बर्बाद नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हम इमली को मरने दें? हमारे पास सच्चाई है, इतने सारे गरीबों की दुआएं हैं। अगर इसके बावजूद भगवान ने इमली के लिए कुछ और सोच रखा है तो वही हो जाने दीजिए। अरे दादाजी, नमस्ते दादाजी। नमस्ते। हम लोग आज ही आए और पता चला तुम अस्पताल में हो। अरे बेटी तू अच्छी खासी थी, तुझे क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ, मगर डॉक्टर लोग कहते हैं मुझे दिल की बीमारी है। दिल की? अरे नहीं बाबा, इतनी उम्र में कोई दिल की बीमारी होती? अरे डॉक्टरों को डराने की आदत है। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। लेकिन आप लोग यहाँ एकदम से कैसे चले आए? दरअसल दिल का रोग तो अंजू को हुआ है। इसने फैसला किया है कि
शादी करेगी तो काशी के साथ करेगी। हमें उसी की माँ से बात करनी है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर, इन्हें देखिए डॉक्टर साहब। जी बेटी, मैं चलता हूँ, काशी से मिलूं फिर आऊंगा। दादाजी, काशी को पुलिस पकड़ के ले गई है, बाबूजी इसे छुड़ाने गए हैं। पुलिस? चल 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 चल, देख लो। हाँ है तो वो दोनों है ना। अरे हाँ भाई, तो आगे भी तो कुछ बोलिए ना। अरे अंजू काशी से शादी कर रही है। और दादा उनका साथ दे रहा है। क्या बात है। मालिक, बड़े मालिक, आप यहाँ? फिक्र मत करो बनारसी, जिसने रोक दिया वो उसका इलाज भी करेगा। तुम काशी की जमानत देने आए हो? जमानत देने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, मालिक के नाम से। वो जो अपने अजीत बाबू के मामा है ना, वो जमानत देने के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं, ऊपर से ऑपरेशन के लिए 2.5 लाख रुपए देने के लिए भी तैयार है। लेकिन ये अपना काशी किसी सुनता ही नहीं है। उसके सर पे तो नेता बनने का भूत सवार है। और कोई होता ना बड़े मालिक, अपनी होने वाली पत्नी की जान बचाने के लिए कुछ भी करता था। ऐसा लगता बड़े मालिक कि मेरी बेटी सुहाग का जोड़ा पहने बिना इस दुनिया से चली जाएगी। क्या इमली की शादी काशी से होने वाली है? हाँ मालिक, सगाई भी हो चुकी है। ये रिश्ता मैंने और काशी की मां ने इनके बचपन में ही तय कर दिया था। मेरी बेटी इमली काशी से कितना प्यार करती है कोई सोच भी नहीं सकता है। अपनी जान पे बना ली, लेकिन किसी को यह नहीं बताया कि वो बीमार है। डरती थी क्या अगर काशी को पता चल गया तो सब बहुत तकलीफ होगी। भरोसा रखिए बनारसी काका, इमली को कुछ नहीं होगा। भगवान उसे नई जिंदगी देगा और काशी जैसा जीवन साथी भी। है ना दादाजी? आशाओं की लगा के सीढ़ी तूने सहारा काट लिया। आशाओं की लगा के सीढ़ी तूने सहारा काट लिया। भोर की लाली दिखा के तूने किरणों को बेनूर किया। नव जीवन का दीप जला के, नव जीवन का दीप जला के तूफानों को सौंप दिया। तुम सो हम जागे, तुमसे कुछ कहना बेकार है। तुम सो हम जागे, तुमसे कुछ कहना बेकार है। दुख के गहरे सागर में डूबा अपना संसार है। अजीत बाबू ने हम लोग
लोगों की बातें मान ली, उन्होंने सारी मोटर गाड़ियां वापस भेज दी। सच बेटा। हाँ काशी। मैं तो पहले ही कहता था ये मनुज कालिया किसी की जान लेकर ही रहेगा। हट जा राजू, आज इस कालिया को मैं जिंदा नहीं। साहब, काशी तुम? जानवर और इंसान में फर्क होता है साहब। इंसान अपने गुस्से को काबू कर सकता है, जानवर नहीं। मतलब? इस बेजुबान की जान लेने से कोई फायदा नहीं होगा साहब। ये तीन आदमियों को पहले ही जख्मी कर चुका है। ऐसे पागल घोड़े को जिंदा रखने से भी क्या फायदा होगा? मैं इसे काबू में कर सकता हूं। काशी, ये जानते हुए भी कि इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है? ये भी हो सकता है कि इसकी वजह से किसी की जान बच जाए। छोड़ दो इसे। बना रखा है, इतना काम करने की क्या जरूरत है? इसीलिए कि मैं अपनी इमली को जल्द से जल्द खुशी खुशी घर ले जा सकूं। तो क्या इसलिए अपने जान को जोखिम में डालकर ये सब कर रहे हो? हाँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी इमली का नया जीवन किसी का दिया हुआ उधार ना हो। इस बार काले को रेस में मैं दौड़ूंगा मामा जी। अरे दौड़ाना ही काफी नहीं है पिस्टन जी, जीतना है जीतना। इस बार इंडियन डर्बी में 5 लाख रुपए की ट्रॉफी है जो हमें मिलनी ही चाहिए पिस्टन जी। अगर मैं ये रेस जीत गया तो मुझे कितना मिलेगा मामा जी? अरे वही जो मिलता आया है, 10% पिस्टन जी। इस बार मैं 50% लूंगा मामा जी। पिस्टन जी, एकदम डिफिकल्ट रेस है मामा जी। पिस्टन जी, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे तुम क्या समझते हो, हमें कोई दूसरा जॉकी नहीं मिल सकता पिस्टन जी? टाइम बहुत कम है मामा जी, और अगर दूसरा जॉकी मिल भी गया तो कालिया उसे बैठने नहीं देगा, मार डालेगा मामा जी। काशी, कालिया को काबू में लाके तुमने वाकई कमाल कर दिया। साहब, मैं कालिया को रेस में दौड़ाना चाहता हूँ। तुम? हाँ साहब, इमली का ऑपरेशन खत्म होने से पहले मैं ऑपरेशन के पैसे भर देना चाहता हूँ। बड़ी खुश नसीब है इमली कि उसे तुम जैसा चाहने वाला मिला। साहब,
आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इमली से मुझे क्या मिला है। मैंने तो सिर्फ उसे अपना प्यार दिया है, लेकिन उसने तो मुझे अपनी जिंदगी सौंप दी। ठीक है काशी, कालिया को रेस में तुम ही उतारोगे। थैंक यू साहब। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। इमली का ऑपरेशन परसों सवेरे 6 बजे होगा। डॉक्टर साहब, मेरी इमली तो ठीक हो जाएगी ना? देखो बनारसी, डॉक्टर शाह जिस मरीज का इलाज कर रहे होते हैं वहाँ डर नाम की कोई चीजें नहीं होती है। अच्छा तुम लोग इमली के बाद जाओ, मैं जरा डॉक्टर साहब से बात करता हूँ। जाओ जाओ। डॉक्टर साहब यूं समझ लीजिए इमली मेरी पोती है, उसकी जान बचा लीजिए। मैं सब जानता हूँ जगमोहन जी, डोंट वरी। परसों ऊपर वाले के सामने अपनी पेशी होने वाली है ना, तुझे क्या लगता है काशी, छोड़ जाऊंगी या सजा लग जाएगी मुझे? इमली ऐसा नहीं। अरे जिसके साथ इतने सारे लोगों का आशीर्वाद हो उसे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक हो जाओगी इमली। बाबू मुझे काशी से एक बात करनी है। जरूर जरूर, हम सब बाहर चले जाते हैं बेटा। नहीं साहब आप ठहर जाओ, एक विनती है आप दोनों से, मेरा आखिरी अरमान पूरा कर दो। कैसी बातें करती हो इमली, आखिरी क्यों, अभी तो तेरे सारे अरमान पूरे होने हैं। बोल क्या चाहिए? काशी मैं मांग में सिंदूर देखना चाहती हूँ, हाथ में सुहाग की चूड़ियां, शरीर पर रानी रंग का चौड़ा। मैं मरने से पहले वो रूप देखना चाहती हूँ जो हर लड़की जीवन में सिर्फ एक बार देखती है, दुल्हन का रूप। इसमें क्या बड़ी बात है, तुझे तो इसी वक्त दुल्हन बनाया जा सकता है। मुझे मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं तो तुम्हें दुल्हन बना हुआ देखना चाहती हूँ। मैं इंसान इमली, ये क्या बक रही है तू? मैं ठीक कह रही हूँ काशी, मैं एक लड़की हूँ, दूसरी लड़की की भावनाओं को समझ सकती हूँ। मेम सब जैसे अमीर लड़की अपना घर बार छोड़कर पाप से झगड़ा करके दुनिया की हंसी का खतरा लेकर तू जैसे गरीब से शादी करने के लिए आए और उसे उसका प्रेम ही ना मिले तो दुनिया में लोग प्यार करना छोड़ देंगे काशी। तू क्या पागल हो गई है? मैं पागल थी मेम साहब, समझने लगी थी कि मैं काशी को सारा सुख दे सकूंगी जो काशी जैसे अच्छे इंसान को मिलना चाहिए, मगर यहां लेट कर मौत को सामने देकर समझ में आया कि मैं काशी को दुखी सिवा कुछ नहीं दे सकती। अगर बच भी गई तो अभी मैं काशी को वो सब कुछ नहीं दे सकती जो आप दे सकती हैं। कैसी बातें कर रही है तू, मेरा और मेम साहब का जोड़ नहीं है। जो कुछ हुआ वो मेरी भूल थी इमली, मुझे मालूम नहीं था कि तुम और काशी मंगेतर हो। मेरे खातिर अपने प्यार की कुर्बानी मत दो, तुम दोनों को अलग रखना पाप है और मैं पाप करके भगवान को मुंह दिखाना नहीं चाहती। तू अपने हालात का फायदा उठाकर दबाव डाल रही है इमली, मगर ये कभी नहीं हो सकता। तो फिर मेरा ऑपरेशन भी नहीं होगा, मैंने देवी माँ की सौगंध ली है। तो सोच लो, जब तक मैं तुम्हें दुल्हा और अंजू मैम साहब को दुल्हन के रूप में देख नहीं लेती तब तक मैं डॉक्टर को अपने पास भी नहीं आने दूंगी। इमली तुम वाकई में ही पागल हो गई हो। ठीक है काशी, वही होगा जो तू चाहेगी। मेम साहब, इमली की जिंदगी के लिए हमारी हार जरूरी है काशी,
चलो इसके अरमान पूरे करने के लिए तैयारियां करते हैं। मैं देखता हूं वो काशी रेस कैसे जीतता है। क्या कर लोगे तुम प्रेस्टन जी? ये आपको रेस पे पता चलेगा। क्या मतलब? ये है कालिया। हाँ? ये है काशी। हाँ? ये उसकी सैडल। हाँ? और ये छुरी। प्रेस्टन जी, मामा जी, चलो इमली चलो। अभी नहीं बेटी, डॉक्टर ने 6 बजे का समय दिया है। बाबू, जब तक काशी और मेम साहब नहीं आ जाते मैं ऑपरेशन के लिए नहीं जाऊंगी। लेकिन बेटी ऑपरेशन का होना बब्बू। इमली, आज तेरी वजह से वो हो गया जो कभी नहीं हो सकता था। तूने अनहोनी को होनी कर दिया है बेटी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तू दूल्हा बनकर इतना सुंदर दिखेगा। डॉक्टर साहब ने मुझे 6 बजे का समय दिया है। Maine is leading, followed by Alexander, and fast catching up with them is Dahlia. I can see Garba Maine is just 4 leagues behind. Now Alexander and Black Beauty are running neck to neck. Yes, Silver Maine is just trailing behind, and Garba Maine has just got a pace with Alexander. Now Silver Maine and Alexander are neck to neck. And now we see Garba also trying to progress slowly but gradually. And now I'm seeing Silver Maine leading. History of Derby. The crowd has gone mad.
progressing faster and faster, and very strongly, it's nearing the other houses. We can see now Alexander is in the lead, and Black Beauty is neck to neck. Silverman is gone back, Dahlia is still behind, but it's approaching the other horses. Now it's faster, last horse of the crowd. It's crossing all the horses, one by one. It's really going stronger and stronger. What a beautiful sight! It's unbelievable! Now it is neck to neck with Silvermane! It's almost taking the lead! Yes! Indeed it has taken the lead! Indeed it has taken the lead! Tanya has left all other horses much behind! It's unbelievable! It's a rare sight! What a strange! What a God is great. Everything is okay. Ajit Babu, भगवान ने मेरी इमली को तो बचा लिया है, लेकिन मालूम नहीं इसके लिए आगे क्या सोच रखा है उसने। अरे ओ बेटिया मालिक, हाँ। मेरी बेटी नया जन्म लेकर आई है, आप आशीर्वाद दीजिए इसे। हाँ, जरूर जरूर। अरे अरे बेटी क्या करिए, जीते रहो सुखी रहो। ये नया जीवन आप सबका दान है, भगवान आपको इतने सुख दे जितने सांसें आपने हमें दिए। हाँ बड़े मालिक, इसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। अच्छा अब हमें इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ इमली। आओ आइए माँ जी। आओ बनारसी। तुम मेरे प्यार के लिए अपनी कुर्बानी दे सकती हो, तो क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती? मैंने तुम्हारी अमानत को संभाल के रखा है, देखो। हैरान मत हो इमली, ये तेरा ही दूल्हा है। तो क्या भीम साहब ने अपनी मांग में सिंदूर भर के मुझसे झूठ बोला था? नहीं, कोई बात झूठ नहीं बोली थी। अंजू की मांग का सिंदूर और उसका मंगलसूत्र दोनों सच्चे हैं। फर्क इतना है कि मांग में सिंदूर डालने वाला हाथ काशी का नहीं, अजीत का था। अंजू ने मुझे चुनकर मुझे बहुत बड़ा सम्मान दिया है काशी। ये तो अजीत साहब का बड़ापन था कि मुझे और अंजू जी को शादी के जोड़े में तुम्हारे सामने आने की सहमति दी। काशी, अगर तुम्हें इस बात का कर्जा उतारना है तो जल्दी से मेरी बहन इमली का हाथ अपने हाथ में थाम लो। चलो बनारसी, भगवान ने इमली को एक अच्छे पति के रूप में काशी दिया है, और हम उसे अच्छा जीवन गुजारने के लिए तारागढ़ का बंगलो दे रहे हैं। और कुछ बनारसी? कुछ नहीं बड़े मालिक, बस आप लोगों के आशीर्वाद से मेरी बच्ची अच्छे से फले फूले, और कुछ नहीं चाहिए बड़े मालिक।
रंगी चोली सपनों की डोली पलकों में सूरत दुल्हन की है। देखूं तुझे चूड़ी बजे सिंदूर की बिंदिया सजे।